मेडिकल कॉलेज की तीसरी मंजिल से एक युवक ने छलांग लगा दी, जिससे उसे गंभीर चोटें आई है। युवक को गंभीर अवस्था में तत्काल उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे आईसीयू में भर्ती किया गया। फिलहाल उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रंजीत गोंटिया की पत्नी गर्भवती थी। रंजीत द्वारा अपनी पत्नी को शुक्रवार को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहाँ महिला के बच्चे की मौत हो गई थी, जिसके कारण रंजीत काफ़ी परेशान था और मंगलवार रात्रि करीब 7:30 पर मेडिकल की तीसरी मंजिल से रंजीत ने आत्महत्या करने की नीयत से छलांग लगा दी। घटना में उसे गंभीर चोटें आई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। क्या नाम है जो अभी? रंजीत नाम है। किस कारण से यहाँ क्यों भर्ती है कोई? सर, उनकी पत्नी मैं सास होने की, मेरी बेटी भर्ती है ऐसे रूम में। अब बहुत स्थिति गंभीर है सर। क्या उम्र होगी? कहाँ के रहने वाले? हम कटनी के तिलक कॉलेज में रहते हैं, एलकेजी थाने के पास। तभी जैसे हम अभी 7:30 करीब हमारे पास सूचना आई थी कि हमारे यहाँ से तीसरी मंजिल से कोई मरीज का साथ वाला है जो कूद गया है, उसका मरीज हमारे यहाँ पे लगभग शुक्रवार के दिन भर्ती हुई थी उसकी महिला, और उसको बच्चा मतलब होने वाला था शायद, तो वो ख़त्म हो गया था। उस परेशानी से उसने अभी 7:30 करीब कॉलेज की दूसरी बिल्डिंग तीसरी बिल्डिंग से उसने कूदा है। वो हमारे यहाँ के जितने भी डॉक्टर हैं उन्होंने उसको तुरंत वहाँ से उठा के, जबकि जब वो कूदा था तो वहाँ पर बहुत सारे लोग भीड़ लगाए हुए थे, उन्हें किसी ने नहीं उठाया। डॉक्टर हमारे यहाँ का सर्जरी का डॉक्टर है, उसने उसको उठा के यहाँ पे लेके आया। फिर हम सब लोगों ने उसका अभी उपचार करके, प्राथमिक जो उपचार है उसका, उसको करके आईसीयू में शिफ्ट कर दिया है। लेकिन इतने ऊपर से कूदने के बाद उसकी स्थिति थोड़ी नाजुक है अभी, तो अभी आने वाले टाइम पे देखते हैं कि उसकी स्थिति कितनी सुधरती है या बिगड़ती है, ये तो अभी ऊपर पता चलेगा। तो चूड़े कहाँ कहाँ आई है? अभी तो देखने ऊपर से देखने में ये है कि उसके बाएं हाथ का जो है वो फ्रैक्चर है, और अभी इंटरनल अभी जांचें उसकी चल रही हैं, जांचों में और पता चलेगा कि अंदर कहाँ कहाँ पे फ्रैक्चर आया उसको। अभी कुछ नाम हो रहा है उसका, नाम कुछ गोटिया है शायद, ये वो कटनी के पास कहीं का रहने वाला है। वो यहाँ पे मतलब आया था अपनी पत्नी को लेके भर्ती कराने के लिए उसको। INC इंडिया न्यूज़ के लिए जबलपुर से कदीर खान की रिपोर्ट।